आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। मेवाड़ का लाल मेजर मुस्तफा बोहरा जाते जाते सबको रुला गया। उसकी माँ, पिता और बहन के साथ हजारों लोग आवाज देते रहे और वो वतन की मिट्टी में समा गया। अरुणाचल में शहीद हुए मेजर मुस्तफा बोहरा का पार्थिव देह रविवार शाम 6 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत, रविंद्र श्रीमाली और फूल सिंह मीणा के साथ उसके पिता और माता के साथ समाजजन ने मेजर मुस्तफा बोहरा अमर रहे के नारों के साथ विदा किया। बाद में उनके पार्थिव देह को सेना के वाहन में खांजीपीर स्थित मस्जिद में लाया गया। मस्जिद में नमाज अदायगी के बाद सैन्य प्रोटोकॉल से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मस्जिद में ही उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, AICC सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा के साथ हजारों की संख्या में शहरवासी मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुस्तफा की बहन दौड़कर कैफिन के पास आई और कहने लगी कि तू तो घर आने वाला था, फिर ये वादा खिलाफी क्यों? मुस्तफा की बहन कप कपाते हाथों से कैफिन पर ही राखी बांधने लगी। इसे देखकर आसपास मौजूद सैनिक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। देश हित में बलिदान होने वाले मेजर मुस्तफा बोहरा की अंतिम विदाई को देखकर कभी तो सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था और कभी आंखों से आंसू छलकने से थम नहीं रहे थे। मस्जिद में अंतिम नमाज के बाद सैन्य प्रोटोकॉल से उन्हें कब्रिस्तान लाया गया। जैसे ही कैफिन से मुस्तफा की देह को निकाल कर दफन किया गया तो मुस्तफा के पिता फूट पड़े और उन्हें जोर जोर से आवाज देने लगे। मुस्तफा की अंतिम विदाई में पहुंचे गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन देश हित में अपनी जान देना सभी को नसीब नहीं होता। शहीद मेजर मुस्तफा की देह जो है वो एयरपोर्ट पर उतर गई। वहाँ से आर्मी के साथ और आर्मी के व्हीकल में वहाँ से रवाना हुई है। देवारी से आगे तक क्रॉस कर गए हैं। हम उनके साथ ही थे, पर अभी उनको आने में कुछ समय लगेगा। ये एक तरह से मेजर मुस्तफा का बलिदान उदयपुर के लिए सौभाग्य के, क्योंकि यह सौभाग्य है कि उदयपुर का निवासी था, यहीं उसकी शिक्षा हुई और यहीं से बोहरा समाज में होते हुए भी आर्मी में जाने का जो उसका जज्बा था और उसके कारण से वो आर्मी में गया और वहाँ वो शहीद हो गया। उदयपुर तो स्वाभाविक है, परिवार भी दुख महसूस करता है, हम भी दुख महसूस करते हैं, लेकिन ये जो देश के लिए बलिदान होना, ये कुछ ही गिने चुने लोगों के भाग्य में लिखा रहता है। मैं सोचता हूँ हम सब भी एक न एक दिन मरेंगे तो निश्चित रूप से, पर हमें ये गौरव प्राप्त नहीं होगा। जो देश के लिए मरते हैं और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को खपाते हैं, उन लोगों का जीवन सफल हो जाता है। निश्चित रूप से मैंने कल भी कहा था, ये केवल उदयपुर का और बोहरा समाज का बेटा नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता का बेटा है और इसलिए सारी जनता को इस बात का अभिमान है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ के नौजवान किस तरह से अपने आप को बलिदान देते हैं। निश्चित रूप से उसके इस बलिदान को उदयपुर याद रखेगा, देश याद रखेगा।